आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इंट पर। आज हम लोग GS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको देखोगे, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से आज फायदा होगा। जो एग्जाम में कई बार आए हैं आपको आज इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विषाणु। जो विषाणु होता है ना तो वो सजीव होता है और ना ही वो निर्जीव होता है, इन दोनों के बीच की कड़ी होता है विषाणु। विषाणु की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इंग्लिश में वायरस कहते हैं, और वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, आप लिख लीजिएगा, वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, SEI, ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, मैंने सही लिखा नहीं है, ठीक है, वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये आपको लिख लेना इतना। इसका वायरस का फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाए वायरस की खोज किसने की थी तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था इवान विस्की, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। अगर ये पूछा जाए सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी तो वो था चेचक का वायरस। किसने खोज की थी इसकी? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारे पॉइंट यहाँ से आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वायरस की खोज किसने की थी, इवान विस्की ने की थी। सबसे पहले वायरस किस वायरस की खोज हुई थी तो होती चेचक के वायरस की, जिसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा तो आप लाइक जरूर करिएगा। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अब की बार एनटीपीसी का क्वेश्चन था। आप सबको पता है कि एनटीपीसी में साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या किसी भी रेलवे के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है एडीज मच्छर। जो एडीज मच्छर होता है इसी को हम लोग टाइगर मच्छर कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा खमीरीकरण, ठीक है। इसी की प्रक्रिया के कारण जो दूध होता है हमारा दही में बनता है। अगर हम बात करें दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है तो वो होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। अगर बात किया जाए दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है तो दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है। चलिए किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस। इसी को हम लोग मस्तिष्क का बुखार बोलते हैं, ठीक है, या जापानी बुखार भी इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। जियोग्राफी सबको पता है, ये तो होगा नहीं, जियोलॉजी भी नहीं होगा, कार्पोलॉजी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। चलिए कार्टोग्राफी आपका हो जाएगा, मानचित्र बनाने के विज्ञान को बोलते हैं, ठीक है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। योको ओनो है, बछेंद्री पाल है, ओंगसुंग है, या जुंको ताबेई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जुंको ताबेई। ये विश्व में पहली थी, जो पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगर हम बात करें तो भारत में आपकी आ जाएंगी बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और विश्व की कौन थी? जुंको ताबेई। यहां तक क्लियर है? अगर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, जो नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना है, और अपने कम से कम 10 फ्रेंडों को शेयर करना है, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, 10 लोगों को आपको शेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 4 सालों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। यहां तक क्लियर है सबका?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, बिहार को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं या पंजाब को कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एम फातिमा दी बेबी। अगर हम बात करते हैं किरण बेदी की, तो ये पहली महिला आईपीएस थी। ठीक है, बात करते हैं सरोजनी नायडू की, तो ये पहली राज्यपाल थी किसी भी राज्य की, और ये कौन सा राज्य था? यूपी। यानी अगर बात किया जाए पहली महिला राज्यपाल कौन थी भारत में, तो वो सरोजनी नायडू थी, और किस स्टेट में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ईआर में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, राइबोसोम में या लाइसोसोम में? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। जो डीएनए होता है, ये आपको पता है ना, इसमें सीढ़ी नुमा होती है डीएनए की जो संरचना होती है, तो ये आपका कहां पे पाया जाता है? माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा क्या कहलाता है? जब संसद शुरू होता है तो जो पहला घंटा होता है वो उसको क्या बोलते हैं? चलिए, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्नकाल। शून्यकाल बोलते हैं जब 12 बज जाता है, उसको शून्यकाल बोलते हैं। ठीक है, 12 बजे का जो टाइम पीरियड होता है उस समय पर शून्यकाल होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? आहूत का मतलब होता है बुलाता है, ये भी आप कह सकते हो, कौन बुलाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। संसद की दोनों सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, दोनों को एक साथ बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि जब दोनों सदन होते हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आप सभी का? तो लोकसभा अध्यक्ष दोनों की अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो आपको पता है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी होता है, धूम केतु भी होता है और ग्रह भी होता है। जो नहीं होता है वो होती है निहारिका। ये आपका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो निकिल। आपको पता है कि जो पृथ्वी होती है ये तीन भाग में होती है, एक दो और तीन। ये ऊपर होता है सीमा, नीचे होता है निफे, और उसके नीचे होता है सियाल। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। किस चोर ने ताजमहल को तीन बार बेच दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब एक ऐसा भी चोर हुआ जिसने ताजमहल को भी बेच दिया, और वो भी एक दो बार नहीं, तीन बार पूरे इसने बेचा है ताजमहल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नटवर लाल। एक नटवर लाल चोर थे बिहार के, इन्होंने ही तीन बार इसको बेच दिया। चलिए, और दो बार इन्होंने लाल किला को भी बेचा था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मकड़ी का जाला किससे बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या पॉलीसेक्राइड? आपने देखा होगा ना, जो घर में जो मकड़ी जो जाला लगाती है वो किस चीज का बना होता है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ये जाला जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब देखो, आप सबको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये हुआ था 1942 में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डेट में। अगर आपको डेट नहीं याद है तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, वर्धा से। कहां से हुई थी अगर ये भी पूछ लिया जाए कहां से शुरू हुई थी, तो वर्धा से हुई थी। वर्धा कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी को महान वृद्ध कहा जाता है, या ऐसा कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है,
इन्होंने ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की इनको संज्ञा दी गई थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आपको यह पता होगा तुलसीदास किसके समकालीन थे तो आप बता ले जाओगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अकबर। तो जैसे आपके तुलसीदास, रहीम दास, ये दोनों किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। तो तुलसीदास ने जो रचना की होगी भाई, जाहिर सी बात है अकबर के ही शासनकाल में की होगी। और अकबर के बारे में अगर कहा जाए तो अकबर जो था ये अनपढ़ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अकबर जो था ये अनपढ़ था। जहांगीर के जो काल होता है इसको पेंटिंग का सुनहरा काल कहा जाता है। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी मुगल वंश का पहला शासक बाबर था। यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए। 1191 में, 1192 में, 1215 में या 1526 में। देखो हम लोग युद्ध का क्लास कर चुके हैं, जो लोग युद्ध की क्लास अभी नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको सारे युद्ध जो हिस्ट्री में हुए हैं वो सारे के सारे युद्ध आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं देखे उनको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं और वहां से उनको सारी चीजें मिल जाएंगी युद्ध से रिलेटेड, तो आपको युद्ध याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर लिंक मिलेगी युद्ध की, वहां से क्लिक करिए और सारे युद्ध देख लीजिए, ठीक है। तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो 1191 था इसमें तराइन का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था और 1215 में तीसरा युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। क्लियर है, ये चारों युद्ध मैंने बता दिए, 1191 में तराइन का पहला, 1192 में तराइन का दूसरा और 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। यहां तक क्लियर है, जिनको इसकी डीप नॉलेज चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो है नहीं, कुल 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आप 20 मिनट की वीडियो अगर देख लोगे तो आपको युद्ध से रिलेटेड कोई भी चीज गलत नहीं होगी, ठीक है, ट्रिक के साथ है वो, आराम से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, इसको आपको कमेंट में लिखना है कि कब हुआ था। देखो जो लोग कमेंट में आंसर नहीं देते हो, या तो वो पढ़ते नहीं हो या फिर वो लिखना नहीं चाहते हो, दिन में भैया इतना मैसेज टाइप कर देते हो आप लोग चैट में, कम से कम एक यही डाल के लिख दो क्या है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करिए, गूगल से ढूंढिए, अगर आप ढूंढोगे तो आपकी जानकारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि सरहिंद का युद्ध किस सन में हुआ था। दूसरी काम जो आपको करना है, जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको सब्सक्राइब करने पर अगर आपको डेली के डेली 20 क्वेश्चन नए या 25 क्वेश्चन नए अगर आपको मिल जा रहे हैं तो इसमें आपका फायदा है, नुकसान नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।